अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पर घूमने। आप आगे देखेंगे, छोटा बेबी हुआ है, उसे देखने बहुत टाइम बाद, तो हम लोग सोचे और फिर हम लोग कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ, ग्रीन सूट पहनी हूँ, तो मैंने ग्रीन बैंगल्स भी पहनी हूँ, बड़ा शौक आ रहा था तो मैं नॉर्मली इस तरीके से रेडी हुई थी। ये देखिए, जो सूट है बहुत हैवी नहीं है, सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा लुक देता है और इनकी पसंद है और इन्होंने मुझे गिफ्ट किए ही हैं, सोच लो, क्योंकि इन्होंने ही लेके मुझे ये वाला सूट दिए थे और बड़ा प्यारा लगता है जब मैं पहनती हूँ सूट। तो मैं इसमें साइड चुन्नी डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, फिस कट में इसकी स्लीव्स हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो मैं इस तरीके से रेडी हुई थी और हाफ मैंने हेयर में क्लेचर बांधी थी। तो अब हम लोग जाएंगे भाभी भैया के साथ, भैया आ रहे हैं खुद ही हम लोग को लेने कार से और फिर लेके जाएंगे, क्योंकि घर भैया का काफ़ी दूर है और वो इनके फ्रेंड है। तो भैया खुद आ रहे हैं लेने और हम लोग इस तरीके से रेडी हो चुके थे और बस हम लोग को निकलना है। तो मैंने सोचा मैं अपना लुक दिखाऊं आपको कि मैं इस तरीके से रेडी हुई हूं। और पता है, मैं जैसे कहीं भी जाना होता है तो मैं इसी तरीके से बैठने वगैरह मिलने तो इसी तरीके से रेडी होती हूँ, क्योंकि वैसे तो अपन नहीं निकल पाते कहीं नहीं। और ये मैं कोई हैवी मेकअप नहीं की हूँ अभी, सिंपली जो होता है पाउडर वगैरह, क्रीम, लिपस्टिक, काजल, बस यही लगाई हूँ मैंने। और बस इसी तरीके से मैं सिंपली तरीके से रेडी हुई हूँ। और मुझे लाइनर बहुत पसंद है लगाना, तो मेरे पास अलग अलग सेडेट के बहुत सारे लाइनर्स हैं जो कि मैं लगाती रहती हूँ अक्सर। और मार्केट के लिए जब भी निकलती हूँ तो बिना लाइनर के मैं नहीं जाती हूँ। और लिप ग्लॉस है मेरे पास काफ़ी सारे, वो लगाती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं भैया भी आ गए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मेन सीधे निकालने दो, वही छोटी रोड का मतलब अंदर मेन रोड आ जाएगी। हाँ हाँ, पूरा निकल जाएगी, मत नहीं यहीं से चलते हैं फिर। मैं खिड़की साइड बैठूंगी। चलो चलो आप भी जाओ। 11 मिनट की है। अच्छा, जैसे अभी आगे जाके अपने को मालूम है ना, तो अपन तो फटफट हो जाएगा। वो क्या हुआ, यहाँ पे आए और राठौर लॉन का बता दिया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बहुत अंदर तक है भाई, मेरे को तो वो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग देखे इस तरीके से भैया के साथ, और बातें वगैरह काफ़ी चल रही हैं हम लोग की, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। और इतना मज़ा आ रहा था जाने में इस तरीके से, और मौसम भी नॉर्मल हो चुका था, शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग बस छोटी सी गुड़िया है उनके यहाँ बेबी गर्ल हुई है उससे मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग को और बच्चों को, शीरी नायमा को तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि छोटा सा बेबी से मिलने जा रहे हैं, इतना एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों। हाँ, वो मूर्ति तो है और वो जापान के सहयोग से बनाई है, वो दिख रही है। पार्क है ना, पार्क घूमने लायक पार्क, चारों तरफ उसके घास वास है बैठ के। आना फिर अभी दिख रहा है, सही मिलेगा ना। मूर्ति अच्छे, गार्डन है अंदर, फुलियारी है। शाम को बोलता है, दिन में शाम को दिन में। अब मैं घर से निकल रही थी, यहाँ आ रही थी भाभी, तो मैं वहाँ से बना के आ रही भैया। हाँ भाभी, ये बेबी के लिए। अरे ये सब की जरूरत नहीं, नहीं पकड़िए ना, देखिए पहले क्या जरूरत नहीं, ये बेबी के लिए, आपके लिए नहीं, बेबी
वो हम लोग की अभी हम बहुत छोटे हैं, इस चीज़ की जरूरत नहीं है हमको। इसमें तो क्लियर ही फोटो नहीं आ रही। सो बेबी के लिए क्यूट सी फ्रॉक लेके आए हुए थे और दोनों एकदम हट नहीं रही थी बेबी के पास से। ये देखिए कितनी क्यूट प्रिंसेस जैसे, और पता है इतनी नाक उसकी इतनी खड़ी सुंदर सी है, जब देखे तो हम लोग देखते रह गए, बहुत क्यूट थी। और भैया के घर के पास गार्डन वगैरह था तो वो बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा है, ज़रूर आना। फिर भैया हम लोग को ये देखिए नाइट हो गई थी तो आइसक्रीम वगैरह खिलाने ले गए और रिटर्न घर ला के उन्होंने छोड़े, इतना सब किए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।